मैं अभी नहा ली हूँ और मेरे हेयर अभी भी गीले हैं, और मैंने मामा अर्थ का शैम्पू फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं पहले भी इस्तेमाल करती थी जब मेरे हेयर में डैंड्रफ था, इचिंग थी, तब फिर इसके बाद मैंने नॉर्मल शैम्पू इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जाके फिर से विंटर स्टार्ट हो गया है, तो मैंने फिर से मामा अर्थ का शैम्पू इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो मेरे हेयर अभी तो पता नहीं चलेगा, फिर से आप 1 मंथ के बाद देखोगे तो माशाल्लाह से हो जाएंगे, क्योंकि मेरे हेयर बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा था और इचिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, सो इस वजह से मैंने फिर से मामा अर्थ का शैम्पू इस्तेमाल करना शुरू किया। अभी आपको मैं रिजल्ट दिखाऊंगी और इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको समझा देती हूँ और दिखा देती हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसा है, शैम्पू कैसा है, कंडीशनर कैसा है, ठीक है? तो चलिए, हो जैसे कि आपको आपको पता है अभी विंटर चल रहा है और विंटर के दिनों में हमारे हेयर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाते हैं, तो ये है मामा अर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू और ये आपको 250 ml में मिलता है। इफ यू गॉट एनी इची ऑफ लाइक स्कैल्प, टाइम टू गो टू डैंड्रफ विद मामा अर्थ लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू, सर्टिफाइड विद द नेचुरल गुडनेस ऑफ द लेमन जिंजर एंड शैम्पू जेंटली क्लींजिंग टू फ्लैक्स एक्सेस ऑयल फ्रॉम योर स्कैल्प, कीपिंग द ड्राई लेमन हैज एंटी फंगल प्रॉपर्टीज विच हेल्प्स टू कंबाइन टू डैंड्रफ एंड जिंजर स्मूथ टू इचिंग्स इरिटेशंस एंड इट इज अ मेड इन सेफ सर्टिफाइड विट इज अ मीन्स टू टॉक्सिंग्स हार्मफुल केमिकल इज जस्ट नेचुरल एंड गुडनेस। लेमन इट्स हेल्प टू कीप डैंड्रफ एंड फ्लैक्स एट बाय जिंजर क्या हेल्प करता है वो भी बता देती हूँ मैं। जिंजर इट्स स्मूथ ड्राई एंड इची स्कैल्प एंड जिंक, जिंक भी आता है इसमें, तो विद एंटी फंगल्स एंड एंटी बैक्टेरियाज प्रॉपर्टीज इट इज अ कंट्रोल टू डैंड्रफ, और स्पेशली इसमें जिंक आता है जो कि प्रूव यू रिड्यूस योर डैंड्रफ, यू नो गाइस, तो जिंक बहुत ज्यादा उपयोगी है हमारे हेयर के लिए, जो कि हमारे हेयर में अगर एंटी बैक्टीरिया या डैंड्रफ या एनीथिंग जो भी होता है वो जिंक खत्म कर देता है, तो स्पेशली जिंक बहुत ज्यादा फायदेकारक है। तो ये रिड्यूस द डैंड्रफ है, जेंटली क्लींजर एंड स्मूथ इची स्कैल्प, मेड सेफ एंड सर्टिफाइड है, सो गाइस आप इसको खरीद सकते हो। ये है शैम्पू मामा अर्थ का एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ओके, सो अब हम बात करेंगे लेमन एंटी डैंड्रफ कंडीशनर विद लेमन जिंजर फॉर द सॉफ्ट एंड स्मूथ हेयर, 250 ml में आता है। मेक्स योर हेयर सॉफ्ट एंड स्मूथ डेट कंडीशनर व्हेन लाइफ गिव यू लेमन्स यू गेट अ फ्रीजी फ्री एंड स्मूथ हेयर। इंट्रोडक्शन टू मामा अर्थ लेमन एंटी डैंड्रफ कंडीशनर दैट इज अ नरिशिंग एंड कंडीशनर योर हेयर विदाउट वाइंडिंग इट डाउन, क्राफ्ट विद द नेचुरल गुडनेस ऑफ द लेमन जिंजर एंड कंडीशनर, कीप टू dandruff by the times of frizziness, also to include the coconut oil, it is a conditioner, it is a strength making them soft, smoother and shinier. What is the more point to ingredients, zinc, the conditioner fight to dandruff, the infect to your frizzy free and smooth hair. That is not our lemon anti dandruff shampoo conditioner, it is also made in safe certified with means to toxins harmful chemical just natural and goodness. Aur lemon and ginger shampoo ki price hai 349 aur lemon and ginger conditioner ki price hai 349, so guys aap ye dono product 698 mein khareed sakte ho aur agar aap mera coupon code use karte ho to aapko 20% off milega aur main yahan pe mera coupon code mention kar dungi, theek hai? सो लेमन एंटी डैंड्रफ कंडीशनर आपके हेयर को मेक हेयर सॉफ्ट एंड स्मूथ, कीप्स द डैंड्रफ एट अ बाय टाइम टू फ्रीजी मेड सेफ एंड सर्टिफाइड, सो गाइज आप ये इसका बहुत ज्यादा, और मैं आपको इसको ओपन करके दिखा सकती हूँ, ये बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आता है जैसे कि, और आपको ये प्रोडक्ट नाइका, फ्लिपकार्ट, एमेजॉन, मिंत्रा हर जगह पे मिल जाएगा और लोकल शॉप में भी मिलेगा, और ये प्लास्टिक पॉजिटिव है और ये एकमात्र इंडियन ब्रांड है, और ये है, ये थर्मोलॉजिकल टेस्ट है, मेड इन सेफ है और ये ऑल हेयर टाइप आता है और ये 250 ml में आता है और इसकी प्राइस है 359 गाइज। अगर ये प्रोडक्ट आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हो तो आप मेरा कूपन कोड यूज करके 20% नहीं, नहा के निकली, उसके बाद मैंने अपना जो पानी है वो पिया, उसके बाद मैंने दवाई ली विथ द वाटर, और फिर मेरी इसकी जो है पता नहीं दवाई अटक गई है या कुछ और चालू हो गई है इसकी, हाय क्लियर दिख रहा है या नहीं पता नहीं, और मैं आजकल जो भी काम होता है वो सब कुछ करवड़ के नहा धो के थोड़ा आराम करती हूँ, क्योंकि विंटर के दिन चल रहे हैं तो बहुत लेजीपन फील होता है पूरा दिन इस वजह से, और मेरे हेयर अभी तक गए आप देख सकते हो, और क्या बोलती हूँ मैं, हाँ मेरे पास ना एक मामा अर्थ का शैम्पू आया है, वो मैं इस्तेमाल करना स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि मेरे हेयर जो है ना बहुत ज़्यादा मेरे हेयर जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, तो मैंने मामा अर्थ का न्यूली शैम्पू मंगवाया है, उस जो है आई थिंक उससे की प्राइस एंड ऑल मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कितनी है क्या है क्या नहीं, तो उसके लिए आपको कटिंग करवाना कोई इश्यू नहीं है, बट सबसे ज़्यादा इश्यू कहाँ आता है पता है, अपने जो हेयर में जो अलग अलग केमिकल्स वाले शैम्पू या फिर अलग अलग कलर्स हैं उसमें भी तो केमिकल्स होते हैं ना, तो वो सब हम
कलर्स हम इस्तेमाल करते हैं ना अपने हेयर्स पर, इसी वजह से हमारे हेयर कमज़ोर हो जाते हैं, हेयर टूटने लगते हैं। इसी वजह से मैंने मम्मा अर्थ का नेचुरल शैम्पू मंगवाया है। मेरा ऑलरेडी मैं मम्मा अर्थ के शैम्पूस यूज़ करती थी, बट अभी मेरे ख़त्म हो गए हैं तो मैंने दूसरे मंगवा लिए हैं, मतलब शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों। तो दोनों कंडीशनर और शैम्पू दोनों मैं इस्तेमाल कर फिर से और आपको दिखाऊंगी। जब भी हिचकी चालू होती है तो वजह से मैं आपको पूरा अपना ड्रेस नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि मैंने नॉर्मल से अपने पंजाबी कपड़े जो घर में पहनती हूँ वही पहने हुए होते हैं। कभी कभी वेस्टर्न कपड़े डाले होते हैं, कभी मैं हर चीज़ ट्राई कर लेती हूँ। लाइक लाइफ में कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, वेस्टर्न कपड़े, फिर कुछ भी, मतलब साड़ी वगैरह तो अभी नहीं पहनती। हाँ, साड़ी पहनना भी शौक है, बट अभी मैंने किसी के पास भी मतलब बनवा के, हाँ मेरे पास रेडीमेड साड़ी है, वो पहन के आपको दिखा सकती हूँ। साड़ी पहनना शौक नहीं है, बट ठीक है, अबाया जो है वो भी पहन लेती हूँ, नकाब भी पहन लेती हूँ टाइम पर, और नॉर्मल कपड़े मतलब जैसे सलवार कमीज भी पहन लेती हूँ, वेस्टर्न कपड़े भी पहन लेती हूँ। मैं हर एक चीज़ को ट्राई करना चाहती हूँ, जो एक लाइफ मिले हैं उसमें हर एक तरीके के कपड़े पहनना चाहती हूँ। वैसे मैंने स्कर्ट भी ट्राई किया, शॉर्ट भी ट्राई किया, जींस भी ट्राई किया, जींस के साथ सब कुछ, टी शर्ट, टॉप, क्रॉप टॉप, सब कुछ ट्राई कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी मेरे शौक थे सब कुछ रहना पड़ता है, ठीक है। तो फिर गर्म ट्रैक्स पैंट्स एंड टी शर्ट्स, ये सब घर में कपड़े पहनती हूँ। बाहर जाती हूँ, जिम में जाती हूँ तो ट्रैक टी शर्ट्स, एंड घर से बाहर निकलती हूँ तो नकाब अबाया भी पहनती हूँ, और जहाँ पे प्रोफेशनल काम पे जाना होता है वहाँ पे टॉप, टाइट, स्कार्फ, और कहीं पे जीन्स टी शर्ट, हर एक तरीके के कपड़े पहनती हूँ। इसमें मुझे मतलब कोई क्वेश्चंस या बड़ी बात नहीं है, बट आपने क्वेश्चन किया तो मैंने जवाब दिया, ठीक है। तो ये सब है मेरी बातें, अगर आपको ज़्यादा असर पे वीडियो की बात रही, वो नकाब वीडियो भी मैं जल्दी लाऊंगी, मुझे ना अभी जरा सा भी टाइम नहीं मिलता है। क्या है ना कि पहले जो है ना मेरा मतलब YouTube पे कंटिन्यू इसलिए रह पाती थी क्योंकि मेरे पास टाइम था, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। बलून्स की बात रही तो हाँ, वो भी मुझे टाइम मिलेगा और मैं बलून्स ला के भी ट्राई करूँगी, गुब्बारे फुला के फोड़ने की भी ट्राई करूँगी, चाहिए। और अभी तो मुझे कुछ फिलहाल पता नहीं है किस तरीके का कंटेंट बनाऊँ, कंटेंट ज़्यादा है नहीं, ठीक है। कंटेंट तो बनता है जब फैमिली होती है, फैमिली के साथ तो अच्छा कंटेंट बन जाता है, बाकी तो एवरीडे ब्लॉग में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बोरिंग सी लाइफ है ना। फिर काम पे लगना, 2-3 घंटे तक काम पे लगना, मेरा प्रोफेशनल काम जो भी मतलब होता है प्रमोशन वगैरह का, वो काम वाम करके फिर घर की थोड़ी बड़ी साफ सफाई, उसके बाद खाना पीना। नहीं, पहले तो उठ के मैं क्या करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ खाना पीना, ये वो नाश्ता पानी चालू हो जाता है अपना, नाश्ता करना ये वो, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं काम जो कि ब्रांड का काम, प्रमोशन एंड ऑल, तो उनके साथ कनेक्ट रहना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, मेल्स फीमेल्स के आंसर देने पड़ते हैं, ठीक है। वो काम पूरा करके फिर मैं बनाती हूँ खाना, फिर खाती हूँ खाना, फिर उसके बाद फिर से मैं काम पे लगती हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी अर्निंग वहीं से होती है, यूट्यूब से तो इतनी अर्निंग होती नहीं है, ठीक है, इस वजह से। तो मैं फिर से 2-3 घंटे अपना काम कर लेती हूँ। और हाँ, जब हिचकी आती है तो कभी कभी बिजी होती हूँ काम में तो मैं हिचकी शूट नहीं कर पाती हूँ, बट आज मैं थोड़ा फ्री थी तो मैंने सोचा कि चलो हिचकी आई है तो शूट ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा काम पूरे दिन का, तो बहुत बोरिंग है, क्या दिखाऊँ, ये मैं काम करने बैठी हूँ, ये मैं नहा रही हूँ, ये मैं खाना खा रही हूँ, ये मैंने कपड़े पहने, ये मैंने ये किया, ये मैंने वो किया, एक ही चीज़ एवरी डे तो नहीं दिखा सकते, राइट। और रही बात दूसरा वीडियोस की, बहुत ज़्यादा लवाड़े कर रही हूँ मैं हिचकी को भगाने का काम। तो ऑलमोस्ट आइएगा, ठीक है।
सो गाइस टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय एवरीवन। और हाँ, आपके जो वीडियो की फरमाइश है वो मैं धीरे धीरे लाने की कोशिश करूँगी। सॉरी गाइस, मुझे टाइम नहीं मिलता है, आई एम सो सॉरी। सो बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।